वेलकम गाइस, वेलकम बैक न्यू ट्रेंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से ही हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग होता है यहाँ से स्टार्ट। तो आज है जुम्मे की सहरी, मतलब जुम्मा लग चुका है, तो आज फोर्थ सहरी है। तो गाइस हम बस अभी तैयारी कर रही थी सहरी में, सब लोग जागे हुए हैं, बच्चे भी जागे हुए हैं। तो मोहम्मद उस्मान है मेरा बड़ा बेटा, वो कह रहे थे कि मुझे भी रोज़ा रखना है, तो मैंने उनको मना किया अभी कि अभी रोज़ा नहीं रखो क्योंकि तबीयत भी उसकी कुछ ठीक नहीं थी। तो अभी गाइस बस तैयारी कर रही हूँ मैं सहरी की, और आपको दिखाती हूँ। अभी है सहरी में मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई प्लस लस्सी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी हो रही है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो हो वो कंटेंट मैं उसका क्या रखूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा, और बस तैयारी मैं कर रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है गाइस कि अभी सहरी से लेके इफ्तारी तक मैं आप लोगों के साथ मैं रहूं, आप लोगों को अपडेट करती रहूं। तो मैं आपको दिखाती हूं कि कढ़ाई भी बन रही है। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे आप थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे भी मोटिवेट होता है कि अब आगे मैं भी वीडियो बनाऊँ अच्छी से अच्छी। तो गाइस मैं भी वेट कर रही होती हूँ आप लोगों का, आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के सब्सक्राइब का, लाइक का। तो गाइस जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं काइंडली वो लोग भी कर लें। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ सहरी, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ये बनी है चिकन कढ़ाई, और अभी ये देखिए मैं लस्सी की कुछ तैयारी करूँगी। गाइस फाइनली सहरी कर रहे हैं और ये जागी हुई हैं, तो बस इनको भी खिलाती हूँ, देन फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम सब ने सहरी कर ली है। तो अब फजर की अज़ान होगी, अज़ान के बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगी, देन उसके बाद सो जाऊंगी, और फिर आपसे सुबह मुलाकात करती हूँ इंशाल्लाह। गाइस ये वक्त हो रहा है फिल वक्त सहरी का, अब देख सकते हैं कोई भी नहीं है। गाइस मैं उठ चुकी हूँ, आज थोड़ा लेट उठी हूँ, आज फ्राइडे है, शॉर्ट टाइम होता है। तो अभी उठी हूँ, 1 बज रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों को नहलाती हूँ, फ्रेश करवाती हूँ उनको क्योंकि नमाज़ के लिए जाना है, और बस खुद भी नमाज़ पढ़ती हूँ, देन फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस आज है फ्राइडे, और ये देखिए नमाज़ी निकल रहे हैं, नमाज़ पढ़कर। गाइस सब लोग, बच्चों को मैंने नहला दिया है, ये देखिए बच्चों को मैंने नहला दिया, नहला के मैंने सफाई वगैरह करनी थी, सफाई की। अब असर की अज़ान हो गई है, तो असर की नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी की तैयारी करूँगी। तो गाइस बस इफ्तारी की तैयारी करूँगी, देन फिर आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी कि इफ्तारी में क्या क्या है। आज कुछ इतना नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा सा पूरा वक्त मैं आज बिज़ी रही, बस देखते हैं जो बन सकता है जल्दी जल्दी वो बनेगा, और फिर अब बस मैं तैयार नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ अदा करूंगी, नमाज़ पढ़ने के बाद एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बताया। ये देखें इफ्तारी की तैयारी अभी मैं कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? सलाम कीजिए सबको, सलाम कीजिए सबको। गाइस मैं काम कर रही थी, और काम करते करते अभी इन लोगों का ये था कि क्यूब सॉल्व करने हैं, बाप देखें
क्यूब सॉल्व कर रहे हैं और साहब जो है वो कबूतर पकड़ने के चक्कर में ये देखें वेट कर रहे हैं कि वो कबूतर आए जो ये पकड़ना था, वो सामने वालों के कबूतर है और ये वेट कर रहा है कि मैं कबूतर पकड़ूंगा। गाइस फाइनली डन हो चुकी है, स्पैगेटी बनाई थी मैंने इफ्तारी के लिए बच्चों के लिए, तो डन हो चुकी है। बस अब नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ने के बाद देन है कहीं ये सैंडविच भी बनाना है मुझे, सैंडविच के लिए मैंने मसाला प्रिपेयर कर लिया था तो बस सैंडविच बनाऊंगी। गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कर ली है और बस जल्दी जल्दी मैंने इफ्तारी बनाई क्योंकि टाइम बहुत हो गया था आज, तो इफ्तारी भी मैंने कर ली है और अब नमाज़ के लिए मैं जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी देन फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तब तक आप भी देखें अभी मस्जिद में आना लग शुरू हो गया। गाइस मैंने नमाज़ पढ़ ली है और ये आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ये देखिए वेदर सन्नाटा है अभी यहाँ पर तो। हेलो हेलो गाइस फिल वक्त मैंने नमाज भी पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया है और अब हुई हूँ मैं फ्री। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं भी किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है। और एक और बात, रमज़ानों में कम से कम एक नेकी ही काउंट हो जाती है आप लोगों की कि आप अगर किसी को किसी की हेल्प कर देते हैं, तो गाइस कोशिश ये किया करें कि आप लोग रमज़ान के अलावा भी किसी न किसी की हेल्प करते रहा करें। तो गाइस यही मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानों में कुछ लोगों की नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेल्प किया करें और बस मैं यही कहूँगी। और अभी आपको दिखाती हूँ कि सामने तरावी भी हो रही है, बच्चे मस्जिद में बच्चे खेल रहे हैं, देखें आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये ऊपर तरावी हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा गाइस, और बच्चे देखें कितने बच्चे खेल रहे हैं, तरावी भी हो रही है साथ साथ बच्चे भी मस्जिद में खेल रहे हैं। और मैं ये रही तो गाइस यही एम बना लें आप इसको अपना कि एम बनाएं, एम इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कोशिश करें कि रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेट करें, आपकी एक नेकी भी होती है ना वो काउंट होती है, तो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें। तो गाइस तरावी भी हो रही है सामने नज़र आ रहे हैं, मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं तक करूँगी, तो गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। हाँ तो गाइस कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। गाइस कम अज़ कम लाइक तो बनता है ना, देखें एक मेरा भी तो हक बनता है कि शेयर कीजिए, मेरा भी हक बनता है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो गाइस बस मैं इस व्लॉग का एंड में यहीं तक ही रखूँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।